हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। तो बेसिकली हुआ क्या कि चाट नहीं बनाई थी बड़े टाइम से, हैं? तो हमें ये बोला कि रणवीर वो शकरकंदी की चाट बना दो एकदम बढ़िया सी, और वो चाट मसाला वसाला दिखा दो, मौसम जो है बहुत बढ़िया, शकरकंदी की चाट अच्छी जाएगी। फिर हमें लगा यार शकरकंदी की चाट में जब तक कुछ मज़ेदार नया किया नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। तो जी नमस्कार, मैं हूँ क्रिप्सी बरार, सॉरी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और एकदम क्रिप्सी क्रिप्सी कमल ककड़ी के चिप्स के साथ बनाते हैं शकरकंदी की चाट। कुछ तो नया सीखना चाहिए ना। और अगर कमल ककड़ी नहीं है, नहीं मिल रही, नो प्रॉब्लम, मखाने ले आइएगा, ठीक है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। शकरकंदी चाट बनाने के लिए हमको चाहिए म्यूजिक के उस पार मिलना। कॉलिंग एंड एक्शन। शकरकंदी की चाट बनाने के लिए आपको चाहिए शकरकंदी, और उसके बाद आपको चाहिए ये खूबसूरत सी चीज़ जिसे कहते हैं कमल ककड़ी। भें नदरू कहीं भी मिल जाएगी सुपरमार्केट में। आज जो है मैं खुद जाके लेके आया हूँ चार बंगला से, मार्केट से। थोड़ी महंगी लगा दी उसने, पहचान लिया शायद मेरे को तो, बट अदरवाइज़ ये हमको पड़ी है 30 रुपये पाव है, और ये है 600 ग्राम, जितनी थी मैं ले आया सारी। तो ऑब्वियसली बॉम्बे रेट्स हैं 30 रुपये पाव। अगर आप मुंबई के बाहर हैं तो ये आपको कंफर्टेबली, मेरे को लग रहा है कि 40 रुपये किलो मिल जाएगी। ठीक है, शॉपिंग करिए तो बताना है ना कि शॉपिंग करिए, मतलब सोचिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप तक नई नई रेसिपीज पहुँचाने के लिए। उबाल भी सकते हैं, अवन में रोस्ट भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, जो आपका मन है वो कर सकते हैं आप। और ऐसा नहीं है कि रणवीर तभी के तभी शकरकंदी उबाल रहा है तो हमको भी तभी के तभी शकरकंदी उबालनी है। हम उबाल के या उसको माइक्रोवेव करके रख सकते हैं, है ना, वेट नहीं करना। इसके साथ में एक बनेगी बड़े मज़े की चटनी, उस चटनी का नाम है हरे टमाटर की चटनी। और हरे टमाटर की चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए हरा टमाटर, है हरा टमाटर। ये थोड़ा सा मतलब डेफिनेटली महंगा लगा दिया है, पके हुए टमाटर के डबल रेट पे दिए हमको चार बंगले वाले भाई साहब ने। अगर वो देख लेंगे ये रेसिपी तो या तो रेट अच्छे लगाना शुरू कर देंगे या मेरी एंट्री बैन कर देंगे अपनी दुकान में। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो सब्जी वाले के पास जाके इस फीलिंग के साथ वापस ना आए कि यार थोड़ा और सस्ता करवा सकते थे, है ना। जो मर्जी कह लो, आदमी को आके लगता है यार थोड़े ज़्यादा पैसे दे दिए लग रहा है। यू कैन नेवर बी हैप्पी विद द सब्जी वाला, बट वही तो मजा है फिर। और बेस्ट है आप सब्जी लेके घर आओ, सबसे पहले मम्मी दरवाजे पे खड़ी होंगी, क्या बोलेंगे, अच्छा 40 रुपये पाव, मैं होती तो 25 की लेके आती। बस आपका सारा मोटिवेशन जो है वो वहीं ठुस हो जाता है सब्जी लाने का, होता है ना सबके साथ, माता जी दरवाजे पे खड़ी होती है मोटिवेशन ठुस करने के लिए। अच्छा गाड़ी में गया था क्या लेने, मतलब हर कारण ढूंढ लिया जाएगा आपको, मतलब यूजलेस सब्जी शॉपर दिखाने का। प्रूफ चाहिए प्रूफ, एक मिनट रुको, एडिट में जाए ना जाए अभी प्रूफ दिखाता हूं। हाँ गोल्डी मम्मा। हाँ। ये लाल वाले टमाटर 60 रुपए किलो ठीक ठीक दिए ना उसने मेरे को, कैसे 60 रुपए किलो, 8 रुपए के 60, 60 आठ नहीं 60, 30 रुपए किलो गोल्डी है, 30 रुपए किलो मैक्सिमम 40 है, 30 रुपए किलो तो हम ही बिकते हैं। अच्छा देख लो ठग लिए ना तेरे को। ओके मम्मा, उसको बोलो 2 किलो करे। ओके मम्मा बाय। बोलो, सबको अपनी मम्मा सुनाई दी इसमें कि नहीं सुनाई दी है? आप भगवान को खुश कर सकते हो लेकिन अपनी सब्जी शॉपिंग से माता जी को खुश नहीं कर सकते कभी। लेकिन माता जी को ये नहीं पता कि उनका बकरा बन गया है, बट कोई नहीं, वी लव मम्मा एंड वी ऑल्सो लव सब्जी वाला, ठीक है ना। मॉल में जाके वो फ्रीजर की सब्जियां लेने से तो अच्छा है कि अपने सब्जी वाले से सब्जी लें, डायरेक्टली किसी का भला हो वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये नोक झोंक तो हमारी जिंदगी और हमारे कल्चर का हिस्सा है। मजा बड़ा आया पर मम्मा का बकरा बना के।
सारे बड़े खुश हो रहे होंगे कि चलो रणवीर की भी बेइज्जती टाइट होती है, अपनी भूल गए सब। ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, दूसरे की बेइज्जती देख के आदमी भूल जाता है कि मेरी भी ऐसी होती है कि नहीं। थोड़ा सा घी, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा घी, एक टुकड़ा लौंग का, बनाए आशिया। सूखी लाल मिर्च एक ठो, उसके बाद थोड़ी सी खुशी और एक टुकड़ा लौंग का, यानी कि उसके बाद अदरक, ब्यूटिफुल, उसके बाद हरा टमाटर, सॉल्ट, गुड़ लगभग 2/3 कप, पानी ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ इतना ही डालना है कि भगवान भला करे टमाटर जो है वो बस पानी से कवर हो जाएगी, क्योंकि टमाटर भी कुक होगा ना तो पानी छोड़ेगा। अब इसके बाद उसको छोड़ दीजिए, कुक होने के लिए ढक्कन लगाना है तो ढक्कन लगा दीजिए। तो जी कमल ककड़ी जब भी आप यूज़ करें, हमेशा याद रखें कि कमल ककड़ी, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है इसलिए कमल ककड़ी भी उसके नीचे लगी होती है ना, मतलब ये लोटस स्टेम है तो इसलिए ये भी कीचड़ में ही होती है, क्योंकि ये कीचड़ में होती है इसलिए ये भी गंदी होती है, इसलिए इसको प्रॉपरली साफ़ करना पड़ता है। इसलिए इसको खुले पानी में धोएं, दोनों तरफ से काट के, कुछ लोग क्या करते हैं एक तरफ नलके से इधर पे टैप का मुँह खोल देते हैं, इधर से जो गंदगी निकलनी होती है निकल जाती है, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसे कट करेंगे, अच्छे से कट करेंगे, कट करने के बाद पानी में धोएंगे तो इसलिए अंदर ही गंदगी निकल जाएगी। अगर आप मोटा मोटा काट रहे हैं, सब्जी के लिए काट रहे हैं, इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, खासतौर आलू के साथ एकदम मीठी मीठी सब्जी बनती है। पीछे हमने एक बहुत अच्छी सब्जी दिखाई, आलू दो प्याज़ा, अगर आपने नहीं देखी है देखिए वो, अगर आप इस कमल ककड़ी के साथ बनाएंगे, तब मैंने बोला है कि कमल ककड़ी के साथ बहुत अच्छी बनती, तो वो आप कमल ककड़ी के साथ बना सकते हैं, ब्यूटिफुल। देखो जी जो हमारी शकरकंदी है उसको सिर्फ 80% पकाना है, मैश ही नहीं करना, बिकॉज हम उसको क्रिप्सी क्रिप्सी फ्राई करेंगे ना। हाँ ऐसे पतले पतले स्लाइस निकाल लें, अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं ना तो किसी भी एशियन स्टोर में चले जाइए, इंडियन स्टोर में अगर नहीं मिलती कमल ककड़ी तो किसी भी एशियन स्टोर में मिलेगी। बॉस्टन में सुपर 88 करके एक एशियन स्टोर होता था, वहाँ बेस्ट मोटी मोटी कमल ककड़ी मिलती थी, एशियन लोटस रूट, बहुत बढ़िया होती है वो। देखिए ये जो टमाटर है ना, ये टमाटर में पहले पानी डालना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप सीधे गुड़ डालेंगे टमाटर पकेगा नहीं, आपने थोड़ा पानी डाला फिर गुड़ डाला, उससे क्या हो गया, पहले पानी से टमाटर गला और उसके बाद ये देखिए गुड़ डालने के बाद वो मुरब्बे की तरह जम गया, उसमें बाइट आ गई। तो बेसिकली चटनी की चटनी और टोमेटो जैम की टोमेटो जैम, टोमेटो लॉज की टोमेटो लॉज, आप जो मर्जी बोल लीजिए, है ना। इसके बाद ये इसके अंदर गया सिरका खटास बढ़ाने के लिए, टमाटर अगर ज़्यादा खट्टे हैं तो सिरका उसी हिसाब से डालिएगा, मेरे वाले टमाटर जो हैं वो बम्बई के हैं, बम्बई में मीठी चीज़ कभी ज़्यादा मीठी नहीं होती, खट्टी चीज़ कभी ज़्यादा खट्टी नहीं होती, सब कुछ लेवल हो जाता है शहरों के कैरेक्टर की तरह। एनीवेज ठीक है ना, ये मिक्स कर लिया, मिक्स करके विनेगर डालने के बाद हमेशा पकाना है, सिरके को पकाना है, सिरका जब पक जाए तो समझ लीजिए मामला तैयार है। कैसे पता चलेगा सिरका पक गया, ऐसे पता चलेगा सिरका पक गया है कि सिरके की जो स्मेल होती है ना एक, वो नहीं आएगी। दूसरा, अगर आपको मिर्च ज़्यादा चाहिए तो हल्की सी लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर डाल देना, यही वक्त है। यहाँ आप चाहें तो हरी मिर्च को 1/2 करके भी डाल सकते हैं, अगर आपको ये लग रहा है नहीं यार रणवीर रंग खराब हो जाएगा, 1 boil and done। अभी जो हरे टमाटर की चटनी कह लीजिए, हरे टमाटर का मुरब्बा कह लीजिए, हरे टमाटर की लौज कह लीजिए, इसको अगर आप ठंडा करने के बाद फ्रिज में डालेंगे तो 2 महीने कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी, 2 महीने तक बचेगी नहीं, लोग खा खिला जाएंगे पहले वो अलग बात है, लेकिन इसके अंदर का सिरका और गुड़ इसको ख़राब नहीं होने देगा, प्लस ऑलरेडी हमने मसाले वसाले डाल रखे, वो एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करेंगे। तो ये तो इसका हो गया, अब आते हैं शकरकंदी को छीलने पे। शकरकंदी को छीलते समय ध्यान ये रखें, इसकी स्किन को बस ऐसे करके खींचें,
ठीक है, ज्यादा नाइफ से उसको पील ना करें। स्किन खींचने से क्या है, जो अंदर का लाल रंग है, खूबसूरत लाल रंग, वो खराब नहीं होगा। वो खराब भी नहीं करना हमको, फायदा क्या हुआ फिर, नहीं तो आलू ही क्यों ना हो। ये देखिए, जितना आप रिटेन करेंगे लाल रंग उतना अच्छा है। तब हो गया, रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी हो गई। एक बनाते हैं मसाला, बेसिकली चाट मसाला है, थोड़ा हमारे स्टाइल का है, रणवीर ब्रार स्टाइल का चाट मसाला है। पहले इसको भून लेंगे हल्का सा नमक डाल के, ताकि भुनाई बराबर हो जाए। अब ये भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये मसाला पकेगा नहीं, सिर्फ स्प्रिंकल होगा, राइट। कभी भी स्प्रिंकलिंग या सीजनिंग करनी हो मसाले से, तो मसाला फुल्ली कुक्ड होना चाहिए। अब इसके अंदर ये गई मिर्च, ये गया अमचूर। अब इसकी होगी पिसाई, बहुत टाइम हो गया आपने पिसाई नहीं करी ना। थोड़ा मोटा मोटा रखिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं, थोड़ा मोटा। थैंक यू वेरी मच। देखिए क्या है ना, कि नदरू में यहाँ पर पानी जो है जल्दी फंसता है, और आलू के मुकाबले ज़्यादा पानी फंसता है, इसलिए नदरू को सुखाना ज़रूरी है। इसका पानी हल्का सा सुखा लेंगे, फिर डालेंगे तेल में, वरना तेल भी ख़राब होगा और हाथ जलने का भी चांस रहेगा। ज़्यादा चलाना नहीं है, बस हल्का हल्का दबाना है, दबाना इसलिए ताकि आपस में ना चिपके, बस। ज़्यादा चलाएंगे तो टेढ़ा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा तो अपने स्वभाव से भी टेढ़ा होगा ना फ्राइंग में। ऊपर से अगर हम चला चला के और टेढ़ा कर देंगे तो फिर तो सारी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। अगर नदरू में क्रिस्पीनेस चाहिए और वो एकदम जायका चाहिए, तो मीडियम ऑयल से मत शुरू करें, मीडियम हॉट टू हॉट ऑयल से शुरू करें। जब तक बुलबुले आ रहे हैं नदरू में से, तब तक उसके अंदर पानी है ना। जब ऐसे बबल्स आने बंद हो जाएं, तो समझ लीजिए कि नदरू क्रिस्पी हो गया, इसके अंदर कोई पानी नहीं है, इसके बाद में सौगी होने के कोई चांसेस नहीं है। आलू से कहीं ज़्यादा फाइबर होता है इसमें, हाँ, कहीं ज़्यादा फाइबर होता है, कहीं ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आलू चिप्स की जगह अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर लेंगे तो वैसे भी बहुत मज़ा आएगा। अरे वो मसाला हो गया क्या? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सही बनाए, थोड़ा खटास चेक कर लें, अगर अमचूर डालना है तो डाल देंगे। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है ना, कि जैसे आप तेल से निकालें, ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ठंडा हो गया तो ये मसाला नहीं पकड़ेगा। इसलिए तेल से निकलने के तुरंत बाद, मसाले में नमक वमक डाला हुआ है तो अपने को टेंशन है नहीं बिल्कुल। ये लो जी पार्ट टू, पार्ट टू है मखाना। अब इसको एयर फ्रायर में भी डाल सकते हैं, ओवन में भी डाल सकते हैं, हल्का सा घी या तेल लगा के, या फिर ऐसे झटपट से उसको एकदम क्रिस्पी फ्राई भी कर सकते हैं। मखाने में तो 100% तेल जो है वो गर्म होना चाहिए, हैं। और अगर आप व्रत पे हैं तो इसमें आप व्रत का नमक और जो भी मसाले आपको व्रत में अलाउड हैं वो हल्के से डाल के, और बढ़िया से एकदम फर्स्ट क्लास अपने व्रत के भी स्नैक्स आप बना सकते हैं। तो ये तेल गर्म होने का ये फ़ायदा है कि मखाना जो है अगर आप तोड़ेंगे तो ज़ीरो ऑयल है अंदर। देखिए, अगर आपके यहाँ व्रत में जीरा खाते हैं तो जीरा, अमचूर खाते हैं तो अमचूर, नहीं तो जो मसाले व्रत में खाते हैं उनको नमक में मिक्स करिए, व्रत के नमक में, और वही टॉस कर लीजिए बस। अब क्या चाट बनानी है बस। शकरकंदी को भी आप चाहें तो ओवन में रोस्ट कर सकते हैं, पैन पे पका सकते हैं, या डीप फ्राई कर सकते हैं। ये पकी बिल्कुल सही है, देखिए इससे ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए थी। अब जिसको इसको लग रहा है कि यार ये डीप फ्राई वाला काम रणवीर ज़्यादा हो रहा है, कुछ और बताओ, तो वो अपनी शकरकंदी ले, उसको मोटा मोटा काट ले। सारे एलिमेंट्स रेडी हो चुके हैं, अभी एक वो वीडियो आएगा जिसमें सारे एलिमेंट्स घूम रहे होंगे, आप उनको देख के मुस्कुराएंगे, और वो एक रिविजन भी हो जाएगा कि देखिए ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। शकरकंदी अगर आप चाहें तो बॉयल करके रख लें, लास्ट मिनट में उसको फ्राई कर लें या तवे पे सेक लें। बेसिकली यहाँ पे नदरू जो है ना वो पापड़ी का काम कर रहा है, एक वो जो क्रिस्पी एलिमेंट चाहिए होता है ना चाट में। अब जो है सब कुछ लेते हैं, थोड़ा टमाटर, थोड़ी शकरकंदी, थोड़ा क्रिप्सी। मजा आ गया। शकरकंदी डीप फ्राई नहीं करनी, क्योंकि जो शैलो फ्राई करके घी में तलने का मजा है ना, तो आई स्टैंड करेक्टेड। शकरकंदी को आप घी में सेक लो, थोड़ा नींबू निचोड़ो। क्या
क्या सीखा? चाट सीखी, स्पाइसी मखाना सीखा, नदरू के चिप्स सीखे, हरे टमाटर की एक बढ़िया सी वो चटनी कम मुरब्बा कम लौज सीखा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक नया चाट मसाला सीखा। थैंक यू वेरी मच। भूल रहा हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।